हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो आज का जो है होने वाला है पूरा लॉन्ग ब्लॉग। अभी जो है मैं काफ़ी दिनों से जो है मिनी ब्लॉग ही डाल रही थी, बट अभी मैंने प्लान किया है कि आज जो है बर्थडे, तो मैं आज मॉर्निंग से लेकर पूरा इवनिंग तक का सारा दिखाऊंगी कि हम लोगों ने आज कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया एंड क्या क्या किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। सो गाइज, अभी हो रहा है मॉर्निंग का 6 o'clock, तो मम्मी को जो है आज जाना है यात्रा में, तो इसलिए मम्मी ने जो है फटाफट से अपनी पूजा कंप्लीट कर ली थी एंड हस्बैंड ने यहाँ पे लगा दिए थे भजन एंड कैली बैठी हुई थी, और मुझे आज करना है यहाँ पे बर्तन वॉश मंदिर के। तो बस मम्मी यहाँ पे हो गई थी रेडी, और जाते ही जब भी हम लोग घर से जाते हैं तो पहले हम भगवान जी को हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे बोल दिया था गुड बाय, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अभी रेडी है मम्मी को छोड़ने के लिए। तो ये पहला बर्थडे है इनका जिसमें मम्मी अभी साथ में नहीं है, बट टिकट्स पहले से बुक होती हैं तो जाना ही था, तो हम लोगों ने बोल दिया था यहाँ पे बाय। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कर लिए थे मंदिर के बर्तन वॉश। तो जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है या मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, तो मैं पूरा जो है मंदिर अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ, एंड यहाँ पे आज मैं पूरी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं लेके आई थी लड्डू गोपाल जी के लिए नए कपड़े आज बर्थडे में पहनाने के लिए, एंड ये हैं गणेश जी के कपड़े और माता रानी का लहंगा है, और ये जो है मंदिर का आसन भी लेके आई हूँ। तो अभी कान्हा जी को यहाँ पे बैठा दिया, तो वो आराम से जो है टीवी देख रहे हैं, तब तक मेरा हो जाएगा पूरा मंदिर डीप क्लीन। तो यहाँ पे मैंने कर दिया था पूरा मंदिर में आसन भी चेंज। तो सबसे पहले मैंने दिया था अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान, और सारे जो भगवान जी थे तो उन्हें भी स्नान करा दिया था। एंड यहाँ पे जो है अभी कैली के साथ खेल रहे हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि इसको भी ना सुबह सुबह टेंशन देना पड़ता है, खेलो नहीं तो ये फिर जानबूझ के जो है मैं नाखून लगाने लग जाती है। तो बस यहाँ पे देखो कैसे लड़ रही है, बिल्कुल जानबूझ के बोलती है कि खेलो खेलो, तो इससे जो है करना ही होता है। तो बस यहाँ पे साथ ही साथ में जो है मेरा मंदिर की जो है पूरी क्लीनिंग भी चल रही थी। तो मंदिर की क्लीनिंग में जो है काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 आवर मुझे लग गया था, और आज जो है सावन भी चल रहा है अभी। तो इनका जो झूला है कान्हा जी का, वो भी मैंने जो है फूल से पूरा डेकोरेट कर दिया था, गजरे से और इत्र लगा दिया था, और यहाँ पर हो गई थी पूजा कम्प्लीट। एंड मम्मी ने बोला था कि जो है मंदिर पर जो है पूरे आज बलून्स लगाना, तो अभी जो है मेरे हस्बैंड ने लगा दिए यहाँ पर बलून्स। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी लग रहे थे काफ़ी प्यारे, और मेरी पूजा भी हो गई थी कंप्लीट। एंड अभी सावन चल रहा है, तो मैंने माता रानी को भी जो है ग्रीन कलर का लहंगा पहना दिया था। तो जब मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी मंदिर की, तो उसी टाइम पे जो है मैंने खीर यहाँ पे रख दी थी और आलू भी बॉईल करने रख दिए थे। तो और दिनों के कंपेरिजन में मुझे काफ़ी लेट हो गया आज ब्रेकफास्ट बनाने में, घर में कोई भी फंक्शन हो तो ये हो ही जाता है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ फटाफट से यहाँ पर ब्रेड पकौड़े। तो अभी सावन चल रहा है, तो हम लोगों ने जो है स्किप करा हुआ है अनियन एंड गार्लिक, तो अभी जो है विदाउट अनियन गार्लिक मैं बनाऊंगी और यहाँ पे लगाऊंगी कान्हा जी को भोग। तो बस मेरा रेडी हो चुका था ब्रेकफास्ट, तो सबसे पहले मैंने लगा दिया कान्हा जी को भोग, एंड इसके बाद ही जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे। मैं पहुँच चुकी हूँ स्टूडियो पे, और अभी हो चुका है थोड़ा सा लेट आज, तो अभी हो गया डे टाइम, तो अभी बज रहा है 1 o'clock डे का। तो अभी जो है आज मुझे काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि मॉर्निंग में जो है सारे काम भी थे, और आज तो मैं और दिनों के कंपैरिजन में जल्दी भी उठ गई थी, क्योंकि मम्मी जो है 7 बजे निकल गई थी यात्रा के लिए। तो मम्मी का जो है पूरा 9 से 10 दिन का है पूरा टूर, तो मम्मी जो है इतने दिन के बाद ही आएंगी, और आज 19 को ही मम्मी को जाना था। तो आज ही पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम कि मम्मी जो है बर्थडे में नहीं है साथ में, तो थोड़ा सा मतलब मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा अजीब लग रहा है, वो भी काफ़ी मिस कर रहे हैं मम्मी को, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आज मतलब जब जितने उनके बर्थडे है ना, तो अभी इसमें फर्स्ट टाइम ही ऐसा हो रहा होगा कि मम्मी नहीं होगी। बट कोई नहीं, सुबह हम लोगों ने हल्का फुल्का कर लिया था सेलिब्रेट, और फिर मम्मी चली गई थी, तो शाम को हम लोग कर लेंगे मम्मी को वीडियो कॉल। तो अभी हो गया था सारा काम हमारा, तो मैंने जितनी डेकोरेशन थी मंदिर की और पूजा वगैरह वो कर ली थी हमने। तो अभी शाम को हमने प्लान किया है कि हम लोग जाएंगे कहीं बाहर डिनर के लिए, तो देखते हैं अभी क्या। सो अभी हो चुका है इवनिंग टाइम, एंड मैंने यहाँ पे करवा लिया था अपना हेयर स्टाइल, तो मैंने यहाँ पे करवाया था ओपन कर्ल्स। बर्थडे पार्टी के लिए सब रेडी हो चुके हैं, अभी हम सैलून में हैं, बच्चे लोग सब आ गए हैं और हम लोग हो गए रेडी। तो ये है बर्थडे बॉय, और अभी हम सब लोग जा रहे हैं डिनर पे। तो मैंने वेयर कराया आज ये आउटफिट, तो मैंने नीचे वेयर करी है डेनिम स्कर्ट, और साथ में ऊपर वेयर करा व्हाइट टॉप, थोड़ा सा हमने कॉम्बिनेशन बनाया, इनका भी हल्का फुल्का व्हाइट है तो थोड़ा बहुत हमारा मैच कर रहा है। तो बस अब हम लोग चलते हैं डिनर पे। ये देखो कान्हा पहुँच गया है यहाँ पे पार्टी के लिए, ये है पिंकी, ये है गुड़िया। तो अब निकलने का टाइम हो गया, दीदी जैजी लोग आते होंगे, बस निकलते हैं, अभी एक दो लोग रेडी हो रहे हैं अंदर। तो अभी यहाँ पे जो मैंने अपने करवाए थे कर्ल्स, तो अभी ओपन नहीं करे थे, तो बस अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं ओपन, उसके बाद ये और अच्छे लगेंगे। तो पूजा का भी वाइट ही हो गया है, हम दोनों सेम सेम हो गए। तो यहाँ पे अभी हम सब लोग वेट कर रहे हैं जाने का, बस अभी हम लोग जाने ही वाले हैं।
यहाँ पे हम लोग आ गए थे डिनर के लिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्डर करे थे स्टार्टर्स, एंड आई वॉज चेकिंग कि हम लोगों को मेन कोर्स पे क्या ऑर्डर करना है, तो हम सब लोग मिलके यहाँ पे डिसाइड करे थे मेन्यू। एंड यहाँ पे अभी दीजी अजी लोग आए भी नहीं थे, तो हम लोगों ने जो अपने टाइम का यूटिलाइज भी कर लिया था। तो अभी हम लोग चले गए थे बाहर, और यहाँ पे काफ़ी प्यारा सा डेकोरेशन हुआ था, तो बलून्स काफ़ी प्यारे लग रहे थे जो कॉम्बिनेशन था। एंड यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कहाँ पे हमारी फ़ोटो सबसे अच्छी आएंगी, एंड यहाँ पे बाहर पे मौसम भी आज काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो अभी हमारे स्टार्टर्स आ चुके थे, तो मैंने यहाँ पे मंगवाया हनी चिली पोटैटो विदाउट अनियन गार्लिक, तो मेरे लिए ये था, बाकी लोगों के लिए तो अनियन था। अभी यहाँ पे मैंने लगा दी है कैंडल्स, क्योंकि अब हो चुका है हमारा केक कटिंग का टाइम, देन उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर। हमारे डिनर हो चुका था यहाँ पे कंप्लीट, सो नाउ इट्स टाइम टू पे द बिल। और यहाँ पे जो है डिनर कंप्लीट होने के बाद हम लोग निकल गए थे घर को, तो काफ़ी मज़ा आया आज के बर्थडे में, तो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हम लोगों ने क्लिक करी एंड वीडियोस बनाई, एंड खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड डेकोरेशन भी, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा बर्थडे। घर, और यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी को भी सुला दिया है और भी चेंज कर लिया है, तो बस अब हो चुका है सोने का टाइम। सो आज का ब्लॉग होता है यहीं पे एंड, सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अनदर मिनी ब्लॉग पे, तब तक के लिए गुड बाय।